Asha, Bhalcha, Khamma Gani. So guys, this is Kiran and welcome back to my channel Pati Patni Aur Wo. So guys, abhi tak aapne khai hai pani puri, street style, pav bhaji, lockdown special, Rajasthani famous gatte ki sabji and dalgona coffee. So guys, chaliye aaj hum banate hai starter special recipe, yani ki paneer tikka masala, wo bhi bina tandoor ke, bina oven ke, तवा स्टाइल में. तो चलिए जान लेते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स. हियर वी गो. सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पनीर को बड़ी साइज के टुकड़ों में काट लिया है और इसी के साथ अनियन और ग्रीन कैप्सिकम यानी कि प्याज और शिमला मिर्च को भी मैंने बड़ी साइज के टुकड़ों में कट कर लिया है. तो अभी हम बेसन को रोस्ट करेंगे. तो आप देख सकते हैं मैं मीडियम फ्लेम पर बेसन को रोस्ट कर रही हूँ. गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है वरना हमारा जो बेसन है वो जल जाएगा. तो अभी आप देख सकते हैं बेसन भुन चुका है और इसी के साथ आप देख सकते हैं पनीर टिक्का मसाला के इंग्रेडिएंट्स. तो यहाँ पर हम लेंगे रोस्टेड क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, कसूरी मेथी, इसी के साथ चाट मसाला, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का ऑयल, नमक एंड रेड चिली पाउडर और इसी के साथ फूड कलर मैंने यहाँ पर लिया है ऑरेंज रेड कलर. इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा हमारे पनीर टिक्का मसाला में. और यहाँ पर मैंने लिया है कर्ड और भुना हुआ बेसन जो हमने अभी रोस्ट कर लिया था. एंड इसी के साथ मैंने लिया है दो लेमन का जूस. एंड यहाँ पर मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है. इससे जो हमारा पनीर टिक्का मसाला है उसका कलर रेड होगा. और यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी लिया है. इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा. तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर कर्ड ले लिया है एक कटोरे में और इसमें मैं ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट. इसी के साथ मैंने यहाँ पर लेमन जूस ऐड किया है. अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, ब्लैक सॉल्ट, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर. तो गाइस अब हम सभी मसालों को इसमें ऐड कर देंगे. इसी के साथ मैं यहाँ पर कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी. तो अभी हम बचे हुए सभी मसालों को इसमें ऐड कर देंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड करूंगी. इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा. तो गाइस अभी आप देख सकते हैं ये है मस्टर्ड ऑयल और मैंने इसको गर्म कर लिया है और हमें इसी स्टेज पर इसे डाल देना है. आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर हमारा भुना हुआ बेसन भी ऐड कर दूंगी. तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करूंगी ऑरेंज रेड. इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा पनीर टिक्का मसाला में. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एग बीटर लिया है. तो मैं इसकी हेल्प से जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे उनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी. तो गाइस ये बहुत ही अच्छा सा पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं. तो हमें यही कंसिस्टेंसी रखनी है. सो गाइस अभी हम करेंगे मैरिनेट प्रोसेस. उसके लिए हमने जो अनियन और कैप्सिकम के बड़ी साइज के पीसेस कट किए थे उनको हम इस पेस्ट में मैरिनेट करेंगे. तो आप देख सकते हैं
इसी के साथ मैं यहाँ पर जो हमने पनीर लिया था बड़ी साइज के टुकड़ों में, उसको भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। तो इसको भी हम मैरिनेट करेंगे। सो गाइस, पनीर के टुकड़ों को हमें जेंटली मैरिनेट करना है, वरना ये टूट भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इन्हें किस तरह से मैरिनेट कर रही हूँ। तो गाइस, कई लोग नहीं जानते होंगे कि मैरिनेट क्या है। मैरिनेट एक ऐसी प्रोसेस है जो बिफोर कुकिंग की जाती है। मैरिनेट यानी कि तेल, मसाले और खटाई वाले पेस्ट में टुकड़ों को लपेटना। स्पेशली ये तंदूर आइटम में यूज़ किया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तवा ले लिया है और ऑयल ब्रश की हेल्प से मैंने ऑयल लगा दिया है। एंड इसी के साथ मैं अब यहाँ पर डालूंगी बटर। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसे भी मैं ऑयल ब्रश की हेल्प से चारों तरफ फैला दूंगी। और अभी हमारे टुकड़े मैरिनेट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर वन बाय वन एक एक टुकड़ा यहाँ पर रखूंगी। आप देख सकते हैं पनीर, प्याज, कैप्सिकम के टुकड़े मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और इसी तरह से हम सभी टुकड़ों को रख देंगे। तो गाइस, इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हमें मीडियम फ्लेम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें पकाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से पलट पलट कर इनको सेक दिया है और देखिए ये कितने यमी लग रहे हैं। तो अभी ऐसे ही हम बाकी बचे हुए टुकड़ों को भी यहाँ पर तवे पर सेक लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारे टुकड़ों को इसी तरह से तवे पर रख दिया है। तो गाइस, आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही होगा और आपको इन्हें चेक भी करते रहना होगा और इन्हें पलट पलट के आपको दोनों साइड से सेकना होगा, वरना ये जल जाएंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे जो पनीर, प्याज और शिमला मिर्च के टुकड़े हैं वो अच्छे से सिक चुके हैं। इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, ये है हमारा पनीर टिक्का मसाला बिना तंदूर के, बिना ओवन के, तवा स्टाइल में। तो गाइस, आया ना मुंह में पानी, लग रहा है ना यमी। सो गाइस, हमारा पनीर टिक्का मसाला प्रिपेयर हो चुका है एंड आप देख सकते हैं ये कितना यमी और डिलीशियस लग रहा है। तो गाइस, आप भी ये ट्राई कीजिए अपने घर पर, ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी यानी कि पनीर टिक्का मसाला और मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बिकॉज ऑफ योर स्माइल यू मेक योर लाइफ मोर ब्यूटिफुल। सो गाइस, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय।